हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, कि स्फेरिकल लेंसेज कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के बारे में अगर आप देखें तो इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट स्फेरिकल लेंसेज एंड इट्स टाइप, और एक और किए थे वहाँ पर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। वहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो आज की जो वीडियो है आपके बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ऐसे ही अपन ने इमेज फॉर्मेशन करी थी मिरर के लिए भी, ठीक है। 6 केसेस अपन ने किए थे वहाँ पर कॉनकेव मिरर को लेके, और 2 केसेस अपन ने किए थे कॉन्वेक्स मिरर को लेके। आज अपन सेम करने वाले वही 6 केसेस कॉनकेव लेंस के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और 2 केसेस करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस से। 6 केसेस जो हैं वहां पर आपने कॉनकेव मिरर से किए थे, वही 6 केसेस आज आप करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। तो केस नंबर 1, फर्स्ट केस कहाँ था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ थी बेटे? वही सेम केस, वही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो मिरर में। फर्स्ट केस क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे थे? एट इन्फिनिटी। वही सेम केस, ठीक है। अच्छा, तो ये अपने पास कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, 2F1, सेम डिस्टेंस पे इधर F2, 2F2, यही था। अच्छा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट दूर, अपने को नहीं पता कहाँ बना हुआ है। अब जब इनफाइनाइट पर डिस्टेंस है तो उसे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं जो लेंस की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो उन बहुत सारी लाइट रेज में अपने को सिर्फ इमेज फॉर्म करने के लिए 2 लाइट रेज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंसिडर कर लेते हैं, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ऐसे बहुत सारी और भी आ रही हैं लेकिन अपने को इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। ये कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या कहता था? इफ अ लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, ठीक है, समझ गए। जब ये प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है तो देखो ये रिफ्रैक्ट होकर आ रही है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ज करेगा, लाइट को इकट्ठा करेगा। ये रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, ये भी रिफ्रैक्ट होकर जा रही है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ भी 2 लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको एक रियल इमेज के बारे में बताया था मिरर के अंदर, कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ़ द लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, After reflection, if the light rays intersect each other, then always real image form. Reflect होके अगर वो reflected रे एक दूसरे को मिलेंगी तो हमेशा real image बनाएगी। अब lens के केस में क्या है? अगर मैं बोलूँ after refraction, refraction होने के बाद जो ये refracted रे अगर एक दूसरे को मिल जाती हैं तो हमेशा real image form करेंगी। जैसे ये रिफ्रैक्ट होके आई, ये रिफ्रैक्ट होके गई, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को क्या हो रही है? मिल रही हैं यहाँ पर, तो ये हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेंगी। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ पे करते थे, 3 चीज़ें बतानी होती थी अपने को, नेचर ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, और थर्ड क्या बताते थे? साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ, थर्ड होता है साइज। तो नेचर क्या रहा इसका? नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी? एट प्रिंसिपल फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस, या बोल सकते हैं एट F2, ठीक है। थर्ड साइज क्या है? और उसके अंदर भी मैंने बताया था, अगर कोई भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ही ऊपर बने तो वो हमेशा पॉइंट साइज की होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप कोई भी साइज को मेजर करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही तो मेजर करोगे,
मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, अब बोलोगे सर इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस से ही तो मेज़र करना शुरू करोगे, यहाँ से मेज़र करना ऐसे शुरू करोगे। अब इस हाइट को मैं कम करता हूँ यहाँ पे आता और इसी के ऊपर ही आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। तो जो इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो वो ऑलवेज पॉइंट साइज की होती है। ठीक है, राइट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। सेकेंड के ऊपर आते हैं, कर लिया। हाँ जी, सेकंड देखते हैं। अब सेकंड केस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, सेकंड केस के लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ क्या था। मैं देखो मिरर भी साथ साथ रिवाइज करवाऊंगा, वहाँ भी इन्फिनिटी वाला फर्स्ट केस था, दूसरा केस था ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब इसका सी कौन सा, बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F1। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा आज मैंने ना ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है, आप एक चीज़ मुझे बताना है यहाँ पर, मैंने एक क्लास और से भी पूछी थी ये बात कि जो विज़न हो रहा है यहाँ पर लिखने का पढ़ने का, ये आपके लिए ग्रीन बोर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बढ़िया है, या फिर आपने इससे पहले लेक्चर जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर किए हैं, तो दोनों में से जब भी आप देखो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोनों में से आप कंफर्टेबल किस बोर्ड के अंदर हो, ग्रीन बोर्ड के अंदर या फिर व्हाइट बोर्ड के अंदर। ठीक है, जिसमें आपको बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, वही बोर्ड का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट की। तो हाँ जी, ये अपना आ गया ऑप्टिकल सेंटर F1, ये हो गया 2F1, F2, 2F2, सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F1, ए बी ऑब्जेक्ट को अपन रख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रूल नंबर वन, इफ ए लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, एंड रूल नंबर टू, इफ ए लाइट रे पासिस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में, देखो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी गई अपनी, सही करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी स्केल है बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन यहाँ तो आइडिया ही चलेगा, गरीब बंदा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पर कहाँ से पास करवाना है अपने लाइट को, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना है, तो इस वे के अंदर क्या जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। रूल नंबर टू किया था ना, थर्ड रूल, अगर आप लाइट को ऑप्टिकल सेंटर में से, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाओगे तो सीधी चली जाएगी, ये रिफ्रैक्ट होकर आ रही थी, ये भी सीधी जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, वहाँ क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। इसको नाम दिया था अपने बेस को बी, तो इधर बन गया बी डैश और इधर बन गया ए डैश। तो अपने को तीन चीज़ें बतानी है, क्या, नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर क्या रहा, रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करगी, तो नेचर कह रहे क्या रहेगा, रियल। ठीक है, इसका फेस ऊपर की तरफ, इसका फेस नीचे की तरफ, तो क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। साइज क्या रहेगा, इससे देखो ये इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। पोजीशन कहाँ मिली है, तो बिटवीन एफ टू, ये कौन सा था, एफ टू था, एफ टू एंड 2F2, तो आंसर क्या रहेगा पोजीशन का, बिटवीन एफ टू एंड 2F2। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं थर्ड पोजीशन के ऊपर, एक एक चीज को समझते जाना आराम से, लेकिन आसान है बिल्कुल, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, कर लिया राइट, कर दो रेज। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पोजीशन के ऊपर। ठीक है, थर्ड पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, मिरर के केस में देखो क्या थी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, यही थी ना थर्ड, तो अब आएगा एट 2F1। अच्छा आपको याद हो तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता था तो इमेज कहाँ पे बनती थी, सी पे बनती थी, सेम साइज की बनती थी, रियल और इन्वर्टेड बनती थी। सेम केस बेटे यहाँ पर चल रहे हैं, सेम, कोई भी फर्क नहीं है, जैसे जैसे आपने वहाँ किया था ना वैसे वैसे ही आप यहाँ कर रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो अभी मैं आपको सारी बातें क्लियर करूँगा और भी, F1 2F1,
ऑप्टिकल सेंटर एफ टू, टू एफ टू। अभी जो आप पीछे वाला भी डायग्राम बना के हटे हैं ना, तो उसमें आपने देखो जब आप इमेज ऑब्जेक्ट को सी के, सॉरी सी के बैक साइड में रखते थे तो इमेज सी के आगे बनती थी। अब यहाँ भी जब अपने इमेज को 2F1 के बैक साइड में रखा तो इमेज इस सी के साथ अब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, इस सी के आगे बनी है। ठीक है, देखो पहले केस में क्या था, इनफाइनाइट पे तो एफ या एफ पे बनी, आपने इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस तरफ ले आए, इमेज यहाँ चलेगी। अब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो इमेज कहाँ चली जाएगी, 2F2 पे चली जाएगी। मीन जब ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखोगे, उसमें भी सी पे रखा था ना, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, सी पे ही। सी का मतलब अब 2F1 और 2F2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से पास करती है लाइट रे, प्रिंसिपल फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाओगे तो हाँ जी सीधी चली जाएगी। सीधी जाने के बाद जब ऑब्जेक्ट आप इमेज ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, ये इमेज थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, ये जो फाइनली इमेज फॉर्म होगी ये यहाँ इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, लाइन थोड़ी सी रह जाती है ना स्केल के बिना, तो ये इमेज 2F2 के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे को मिल गई तो अपने को क्या बताना है, वही NPS, नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेचर क्या रहेगा, मिल गई तो आप बोलेंगे रियल है, और इसका फेस ऊपर की तरफ, इसका इमेज का फेस क्या है, नीचे की तरफ, तो आप क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ बनी है, बोलोगे एट 2F2 के ऊपर। साइज का रहेगा तो आप बोलोगे सेम साइज की इमेज फॉर्म हुई है, सेम साइज की इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। तो कर लीजिए राइट, फिर आते हैं फोर्थ पोजीशन के ऊपर, कर लिए राइट, कर दो रेज, हाँ जी। फोर्थ पोजीशन क्या आएगी, उसमें क्या था, फोर्थ पोजीशन पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर सी और एफ के बीच में, अब वही सेम चीज चल रही है। यहाँ भी क्या था, पहले इन्फिनिटी था, फिर आप लेके आए थे बियॉन्ड 2F1, फिर आगे आप कहाँ पे, 2F1 पे, ठीक है। अब आगे F1 और 2F1 के बीच में, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्थ केस आ गया अब अपना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। तो ये अपने पास कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इन दोनों के बीच में, ये बन गया ऑब्जेक्ट ए बी। आपको ध्यान है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और सी होता था तो इमेज सी के बैक साइड में बनती थी, लार्ज साइज की बनती थी, रियल और इन्वर्टेड बनती थी। सेम अब अपने सी के इस तरफ बनेगी इमेज, ठीक है, लार्ज साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो रूल नंबर देखो, आपने सिर्फ दो ही रूल का यूज़ करना है, थर्ड रूल की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैरेलल आएगी प्रिंसिपल फोकस में से, और दूसरा रूल बस ओ में से पास करवाते जाओ लाइट को, जहाँ भी मिलेगी वो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, मिरर से तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी। मिरर के अंदर तो थोड़ा सोचना पड़ता था कि अब रूल कौन सा लगाएं, इसमें तो आंख बंद करके दो रूल लगाते जाओ बस, पैरेलल आई तो प्रिंसिपल फोकस में से और दूसरा ओ में से, तो अपने आप जहाँ पे मिल जाएंगी तो वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये मिल गई तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। अब आप देख लो, ठीक है, नेचर साइज और पोजीशन क्या रहा इसका, नेचर क्या रहा, रियल मिल गई है ना ये दोनों आपस में, तो नेचर क्या होगा, रियल, और फेस नीचे की तरफ, इसका फेस ऊपर की तरफ, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन कहाँ है, तो आप लिखोगे बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F2। साइज क्या रहेगा, इससे बड़ी है तो आप क्या लिखोगे, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ठीक है, कर लिया राइट, कर लो जल्दी जल्दी। फिर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, फिफ्थ केस, कर दूं रेज,
कर लिया, ठीक। फिफ्थ केस देखिए, उसमें क्या था, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बाद कहाँ आता था, ऑब्जेक्ट एफ पे आता था, और जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता था एफ पे तो इमेज कहाँ चली जाती थी, इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे आ जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती है, ठीक है। यही सेम केस लेंस में भी ऐसा ही होता है कि जब आप क्या रखोगे, कि अपने पास लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर एफ वन, टू एफ वन, एफ टू, टू एफ टू, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर रखना है, एफ पे। ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा, फर्स्ट रूल पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के जाके कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। देखो मिल रही है ना, ऐसे इकट्ठी हो रही हैं, तो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो रियल इमेज फॉर्म करेंगी, तो नेचर क्या रहा, नेचर रियल, और मिलेंगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ होगी, आप बोलोगे एट इन्फिनिटी पे। साइज क्या रहेगा, आप बोलोगे एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज इन साइज, एनलार्ज्ड, ठीक है। समझ में आ गई, कर लिया, कर दूँ रेज, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हाँ जी, कर रहा हूँ मैं रेज इसको। देखो जैसे जैसे आप ना ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते आ रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को उठाया लेंस के पास लेके आए, इमेज दूर जाती जा रही है, इन्फिनिटी पे थी तो प्रिंसिपल फोकस पे, और इधर ले के आए इमेज और इधर आ गई, और इधर लेके आए इमेज और इधर आ गई, एफ पे लेके आए तो इन्फिनिटी पे चलेगी, ठीक है। अब लास्ट केस अपना जो उसके अंदर भी था, सिक्स्थ केस, जब ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, मतलब बिटवीन एफ एंड पी। अब यहां पर क्या रहेगा, बिटवीन O एंड F1, बिटवीन O एंड F1, कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। तो इमेज कहां पड़ी है, ये पड़ी इन दोनों के बीच में। उसमें क्या होता, जब F और P के बीच में बनाते थे तो कॉनकेव कैसी इमेज बनाता था, मिरर के इस तरफ ऐसा लगता था इस तरफ है, बिहाइंड द मिरर बनती थी, है ना, और वर्चुअल बनती थी, लार्ज साइज की बनती थी। वही सेम केस अब यहाँ पे, ये भी क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, लार्ज साइज की बनाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, फर्स्ट रूल पैरेलल जाएगी, रूल तो वही रहने हैं, रूल नहीं चेंज होने वाले, दूसरी रे इस तरफ जाएगी, तो ये दोनों देखो मिलती मिलेंगी तो है ही नहीं, ये एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो ये फिर किस तरफ मिलेंगी, इनको पीछे की तरफ लेके आएंगे अपन, इसको भी ऐसे पीछे की तरफ ले, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर अगर मिल गई तो यहाँ पर क्या हुई, इमेज फॉर्म हुई, ठीक है, समझ गए ना, डॉटेड शो करेंगे ये वाली, ठीक है। अब क्या होगा, नेचर कैसा रहेगा, नेचर क्या रहेगा, अब मिली इस तरफ तो मिली नहीं, तो रियल इमेज तो फॉर्म होगी नहीं, तो इस तरफ अपन मिलाई है, लगा ऐसे मिली है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल ऑफ साइज, वर्चुअल जो होती है, देखो इसका फेस भी ऊपर की तरफ, इसका फेस भी ऊपर की तरफ, ए डैश बी डैश, तो वर्चुअल जो बनती है हमेशा इरेक्ट बनती है। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन, हाँ जी, सेम साइड, कि जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ ही इमेज फॉर्म हुई है, तो आप पोजीशन में क्या लिखोगे, सेम साइड, और साइज क्या रहेगा, इससे बड़ी बनी है तो आप क्या लिखोगे, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, ये सिक्स केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के, ये सिक्स केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के। सेम अब टू केसेस करने वाले हैं अपन कॉनकेव लेंस के, जैसे वहां पर टू केसेस किए थे अपन ने, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो केस किए थे, ऐसे ही अब अपन कॉनकेव लेंस के लिए दो केस करेंगे, सिर्फ कॉनकेव लेंस के लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, दो ही सिर्फ केस है यहां पर, और वही ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम वही है जो अपन ने मिरर में की थी, कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी ना, फर्स्ट क्या थी, एट इन्फिनिटी, वही सेम इसके केस में,
कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, समझ में आया। ये होगी एफ वन, इधर टू एफ वन, एफ टू, टू एफ टू। तो इन्फिनिटी में आप कैसे लेते हो कि एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंसिडर करते हैं और एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कंसिडर करते हैं, ऐसे है ना। तो रूल क्या कहता है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, एक लाइट रे इस तरफ चली जाएगी, दूसरी लाइट रे रिफ्रैक्ट होके इस तरफ चली जाएगी, समझ में आई ये बात। तो ये तो दोनों इस तरफ चलेगी, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता था कि अगर वो पैरेलल आएंगी तो वो कहाँ से पास करेंगी, प्रिंसिपल फोकस में। तो ये वापस आई यहाँ पर, अपन मिलाई कहाँ से पास करें, प्रिंसिपल फोकस में से, और दूसरी लाइट रे इस वे के अंदर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये मिली, इस तरफ तो मिलेगी नहीं, इस तरफ मिली। तो आप बोलोगे नेचर क्या रहा फिर इमेज का, नेचर कैसी होगी, वर्चुअल इमेज, और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। तो आप बोलो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन, सॉरी, पोजीशन कहाँ बनी, एट एफ वन, एट एफ वन, ठीक है। साइज क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो साइज हमेशा क्या होगा, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज, ठीक है। हाँ जी, कर लिया राइट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कर दूँ रेज, ठीक है। अब सेकंड उसमें क्या थी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट रखा जाता था ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, इसमें रख, और उसमें वहां होता जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में, वही सेम केस है। मतलब अब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में। तो ये अपने पास कॉनकेव लेंस, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, एफ वन, टू एफ वन, एफ टू, टू एफ टू। तो कहीं भी रख दो, ये रख दिया, कहीं भी रख दो और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखना, अपनी मर्जी है। ये पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद आप बोलते हैं ये कैसे जाएगी, किस तरफ, डाइवर्ज करेगा लाइट को क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। और दूसरी लाइट रे को कहाँ से पास करो, ओ अकॉर्डिंग टू रूल ये कहाँ से पास करेगी, फिर प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी इस वे के अंदर। और दूसरी लाइट रे को कहाँ से पास करवाओगे आप, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाओगे तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। ये दोनों लाइट रे देखो, ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पर क्या होगी, फॉर्म, इमेज फॉर्म हुई ए डैश बी डैश, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे ये जा रही, ये रिफ्रैक्टेड रे ये जा रही, तो ये दोनों तो एक दूसरे को मिली नहीं, जब मिली नहीं तो रियल इमेज नहीं फॉर्म होगी, तो ये कौन सी फिर इमेज फॉर्म हुई है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। तो नेचर क्या रहेगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर क्या लिखोगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन कहाँ मिलेगी, पोजीशन सेम साइड ही, या बोल सकते हो बिटवीन एफ वन एंड ओ, बिटवीन एफ वन एंड ओ। और साइज क्या रहेगा, तो स्मॉल साइज की रहेगी, जो ऑब्जेक्ट बड़ा था इमेज बनी है स्मॉल साइज की, ठीक है। तो ये थी अपने पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो दोनों के अंदर से अपने एक कंक्लूजन यहां पर निकलता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, वाइल जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो रियल इमेज भी बनाते हैं और वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं। रियल इमेज फाइव केसेस अपन किए, रियल इमेज बनाए, और एक बार ही वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस। वेरी क्लोज टू द लेंस मीन जब ऑब्जेक्ट एफ वन और ओ के बीच में होता है, तो उस केस के अंदर वो वर्चुअल इमेज बनाता है, अदरवाइज जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो हमेशा रियल इमेज बनाते हैं। और ध्यान रखना जब आप लेंस को पास करके देखोगे तो वर्चुअल इमेज बनाएगा और लार्ज साइज की इमेज बनाएगा। जब मैं आगे इसके यूजेस बताऊंगा तब मैं इस चीज को वहां फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप आपको ये इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस और लेंस फॉर्मूला। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए। और एक चीज मैंने बीच में वीडियो के बोला था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि बोर्ड कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का।
तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, थैंक यू।